वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। अपराधियों पर नकल कसने के लिए, भू माफिया को हद में लाने के लिए और बाहुबलियों को जमीन पर लाने के लिए यूपी में बाबा ने बुलडोजर का सहारा लिया। सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, अपराधी भू माफिया और बाहुबलियों के घर पर और दंगाइयों से पैसे भी वसूले गए। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सुनकर लिबरल्स और वामी गैंग खुशी से झूम उठे, पर इस खबर की, इस टिप्पणी की असल कहानी कुछ और ही नजर आती है। अब इसे विस्तार से समझिए। सीए प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने 274 नोटिस वापस ले लिए। लेकिन लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में गठित तीनों क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए ये वसूली जारी रहेगी। दरअसल सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक निजी संपत्ति वसूली अधिनियम 2020 के तहत लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए थे। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश लोक निजी संपत्ति वसूली अधिनियम 2020 के तहत ही की गई कार्रवाई और वसूली के बाद प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं ना के बराबर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ताजा नोटिस नए अधिनियम के तहत जारी करने की अनुमति दी है। गृह विभाग के मुताबिक प्रदेश में राजनीतिक जुलूसों, अवैध प्रदर्शनों, हड़ताल, बंद की वजह से संपत्तियों के नुकसान की वीडियोग्राफी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीए हिंसा के दौरान प्रदेश भर में करीब 1,94,00,000 रुपए की राजकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर जिला प्रशासन की तरफ से 23 मामलों में 1,77,81,815 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी हुआ था। अभी तक 16 मामलों में 22,37,851 रुपए की वसूली की जा चुकी है। बाकी मामलों में यह प्रक्रिया जारी है। सीए हिंसा के दौरान प्रदेश भर में कुल 502 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से करीब 400 मामलों में चार्जशीट लगाई जा चुकी है, जबकि 69 मामलों में अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2021 के नए कानून के तहत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। यूपी सरकार को इस बात की इजाजत है कि वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए कानून यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2021 के तहत कार्रवाई कर सकती है, और ये बात अब दंगाइयों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।